हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बार लेके आया हूं बीएससी थर्ड ईयर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। कि देखिए, हमारे बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो डिफिनीशन इसकी कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, इम्यूनिटी इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। देखिए, जो इम्यूनिटी होती है क्या है, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। विच मेन वर्क, इसका जो मेन वर्क है क्या काम है इसका, इज दैट टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्शन आवर बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है उससे जा कर के लड़ना और बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। Which main work is those is that to fight against infection and protect our body। यानी कि ये इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जिसका मेन काम होता है जैसे कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है उससे जा कर के फाइट करना, फाइट करने के बाद बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब देखिए, जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी टू टाइप्स का होता है। इम्यूनिटी टू टाइप्स का होता है, एक होता है इननेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो चलिए बारीक बारीक से जान लेते हैं कि इननेट इम्यूनिटी क्या होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। देखिए, जो इननेट इम्यूनिटी होता है यह हमारे बॉडी के अंदर जन्म से ही पाया जाता है, ठीक है। जैसे जो बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी से इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है। विच आर ऑब्टेन बिफोर द बर्थ, यानी कि जन्म के पहले ही यह इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो यह जो इम्यूनिटी होती है इसके अंदर उसको पहचानने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, कि कौन सा आया है बैक्टीरिया। तो ये कोई सा भी बैक्टीरिया वायरस हो उससे जा कर के लड़ जाती थी, ठीक है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक थी। दूसरी बात, दिस इम्यूनिटी जेनेटिकली ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यह जो इम्यूनिटी है इसको हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कैरेक्टराइज बाई मेमोरी, इसके पास कोई मेमोरी नहीं पाई जाती है, ठीक है, पैथोजेंस को याद रखने के लिए इसका इसके पास कोई भी मेमोरी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ए कॉल्ड एडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। और जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है विच इज ऑब्टेन आफ्टर द बर्थ, यानी कि जन्म के बाद यह इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर आती है, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक द पैथोजन, यह क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। अभी हमने देखा था इननेट इम्यूनिटी क्या था, नॉन स्पेसिफिक था, ठीक है, और ये क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब जो भी पैथोजेंस आता है ये उसको पहचानेगा, पहचानने के बाद जा करके उसको किल करेगा, ठीक। और दिस इज करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, इसके अंदर करेक्टराइज्ड मेमोरी पाई जाती है, यानी कि कोई भी पैथोजेंस अगर इसके पहले आया था तो ये उसको पहचान लेता है, और अगर वह पैथोजेंस फिर हमारे बॉडी में अटैक करता है तो जा करके उसको पहचान लेता है और उस प्रकार की एंटीबॉडी बनाकर उसको किल कर देता है। तो इस प्रकार के इसके अंदर क्या पाई जाती है, मेमोरी पाई जाती है। जैसे टी सेल और बी सेल, एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो टी सेल और बी सेल। देखिए, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है टू टाइप्स की होती है, ठीक है। जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। अब देखिए, जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी होता है ये भी दो प्रकार की होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। और मेरा जो पैसिव इम्यूनिटी होता है ये भी होता है एक नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ऐसी इम्यूनिटी जो शरीर में किसी संक्रमण या संक्रमणकारी पदार्थ के द्वारा विकसित हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, और उस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना,
ठीक है, इम्यूनिटी बनी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, द इम्यूनिटी डेवलप इन द बॉडी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एक्सपोजर आर इन्फेक्शन एजेंट बॉडी प्रोड्यूस बाई एंटीबॉडी। देखिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो देखिए, जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो भी टू टाइप्स की होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो देखिए, नेचुरल क्या होता है, अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल जो होता है एंटीबॉडी डेवलप रिस्पांस द इन्फेक्शन, एंटीबॉडी डेवलप रिस्पांस द इन्फेक्शन, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जो एंटीबॉडीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। और आर्टिफिशियल क्या होता है, एंटीबॉडी डेवलप रिस्पांस द वैक्सीनेशन, क्या होता है कि जब हमको वैक्सीन्स लगता है, वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन लगने के बाद जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। जैसे जब यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल क्या होता है, एंटीबॉडी डेवलप इट रिस्पांस टू इन एन इन्फेक्शन, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे जो एंटीबॉडी डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल। जैसे ये कोई बैक्टीरिया या वायरस है, इसके द्वारा, जैसे ये कोई पैथोजेंस है, इसके द्वारा जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ इसको हम नेचुरल कह दिए। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी वैक्सीनेशन होता, कोई भी वैक्सीन अगर हमको लगता है तो उसके अकॉर्डिंग जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बनती है वह क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। तो अब जान लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, जिसको हम अक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, यह क्या होता है। द इम्यूनिटी डेवलप इन द बॉडी व्हेन प्रिपेयर एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, द इम्यूनिटी डेवलप इन द बॉडी व्हेन प्रिपेयर एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, अगर हमारे बॉडी के बॉडी को बाहर से कोई एंटीबॉडी दी जाए तो उससे जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। क्योंकि पैसिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह एंटीबॉडी जो है बाहर से हमारे बॉडी के अंदर दी जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो इम्यूनिटी बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है टू टाइप्स की होती है, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वह टू टाइप्स की होती है। देखिए, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो भैया नेचुरल क्या होता है, नेचुरल की हम बात करें तो एंटीबॉडीज रिसीव द मदर थ्रू मिल्क, क्या होता है कि एंटीबॉडी रिसीव द मदर थ्रू मिल्क। देखिए, मदर के द्वारा जो मिल्क मिलता है उसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वह क्या होता है, नेचुरल होता है। अगर हम आर्टिफिशियल्स की बात करें, आर्टिफिशियल में क्या होता है कि एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम ए मेडिसिन। देखिए, मेडिसिन से जो हमको एंटीबॉडीज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल। और जो नेचुरल होता है, जो मदर का मिल्क होता है उससे जो एंटीबॉडीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमें मेडिसिन से प्राप्त होता है उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। जैसे आप इस इमेज से आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारी रही पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी टू टाइप्स की हुई, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या होता है, जो हमारे मदर के मिल्क से हमें इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडीज मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। और जो हमें मेडिसिन से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। जैसा कि आप इसको इस ग्राफ से समझ सकते हैं, देखिए जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, एक होता है एडाप्टिव, एक होता है इननेट। अब देखिए, जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब ये देखो, जो नेचुरल होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। अब ये होता है, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इम्यूनिटी को समझ सकते हैं इस ग्राफ से। देखिए, जैसे ये रही हमारी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी टू टाइप्स की है, इननेट, एक्वायर्ड। ठीक है, अब एक्वायर्ड में हमने देखा कि एक्वायर्ड में भैया दो प्रकार की पाई जा रही हैं, एक हो रहा है एक्टिव और एक होता है पैसिव।
अब देखिए जो एक्टिव होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल एक होता है आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल एक होता है आर्टिफिशियल। अगर आप इतना भी ग्राफ अगर एग्जाम्स में बना देते हैं इम्यूनिटी का, तब पर भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो ये था पूरा इम्यूनिटी। अभी इसके बाद इसका बहुत सारा टॉपिक्स है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने बस बात किया इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप्स की बात किया।